नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को बताई सारी बातें, सुना दी उन्हें पूरी लव स्टोरी, बताया क्या कुछ हुआ था सुशांत और उनके बीच। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के मामले में पुलिस लगातार लोगों के बयान ले रही है। गुरुवार को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने करीब 11 घंटे मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पर बिठाकर पूछताछ की। रिया ने पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए। रिया ने बताया कि वो कब सुशांत सिंह राजपूत से मिली। रिया ने पुलिस को ये बताया कि उनकी मुलाकात साल 2013 में हुई थी। उस वक्त वो शुद्ध देसी रोमांस फिल्म कर रहे थे। तब रिया अपने डैड की मारुति फिल्म में काम कर रही थी। दोनों फिल्मों के सेट आसपास थे। रिया और सुशांत पहली बार वहीं मिले थे। इसके बाद रिया और सुशांत कई पार्टियों में मिले और फिर हो गई उनकी दोस्ती। फिर उसके बाद रिया ने बताया कि कैसे आए दोनों रिलेशनशिप में। रिया और सुशांत ने एक दूसरे के नंबर लिए और मुलाकातों का दौर चलता रहा। रिया ने पुलिस को बताया कि उस वक्त सुशांत पहले से ही रिलेशनशिप में थे, हालांकि वो रिया के टच में थे। रिया बताती हैं कि वो और सुशांत 2017-18 के दौरान एक प्रोडक्शन हाउस से अलग हुए और अलग अलग बैनर के साथ काम करना तय किया। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रिया ने पुलिस को ये भी बताया कि सुशांत अंदर ही अंदर किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे, लेकिन किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते थे। ज्यादा जब वो परेशान होते तो वो अकेले में रहना पसंद करते थे या फिर पुणे के पवाना फार्म हाउस पर चले जाते थे। उनका डिप्रेशन जब बढ़ने लगा तो वो डॉक्टर के पास गए। वहाँ उनकी दवाइयाँ शुरू की गई, लेकिन बीते कुछ दिनों से सुशांत ने दवाइयाँ छोड़ दी थी। रिया ने पुलिस को बताया कि 6 जून को सुशांत डिप्रेशन में थे और उन्होंने रिया से कहा कि उन्हें अकेला छोड़कर वो चली जाए। रिया बताती है कि वो सुशांत की स्थिति को देखकर बिना कुछ पूछे उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। उन्हें लगा कि कुछ दिनों के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा और उन्हें कुछ अकेले सोचने का मौका देना चाहिए। इसके बाद रिया को 14 जून को अचानक उनकी आत्महत्या की खबर मिलती है। तो ये सारी बातें रिया ने पुलिस को बताई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।